नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमने एक अलग तरीके का एपिसोड स्टार्ट करा है, जिसमें हम अलग अलग तरीके के सक्सेसफुल वकीलों के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ा, किस तरीके से उन्होंने लॉ का प्रोफेशन को चूज किया, उसके बारे में शॉर्ट वीडियो, 1 से 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट मैक्स, हर दिन शाम में आपको जरूर मिल जाएगा। और अलग से हम इसके लिए प्लेलिस्ट भी तैयार कर लेंगे, और उस तरीके से यदि आप देखना चाहें तो उस पार्टिकुलर एडवोकेट के बारे में उस प्लेलिस्ट में 1 से लेकर के जितने भी वीडियोस बनेंगे, यदि आप देखेंगे तो आपको सब कुछ जो इंटरेस्टिंग चीज है आपको पता लग जाएगा। आज के इस टॉपिक में हम शुरुआत करेंगे हरीश साल्वे के स्टोरी से। और हरीश साल्वे जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट एडवोकेट हैं, करोड़ों रुपया चार्ज करते हैं अपने एक अपीयरेंस के लिए, और शुरुआती दिनों में इनको लॉ करने की कोई इच्छा नहीं थी, इंजीनियरिंग में इनकी रुचि थी, इंजीनियर बनना चाहते थे। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि एज अ यंग बॉय हरीश वॉन्टेड टू बी एन इंजीनियर। बाय द टाइम ही वॉज रेडी फॉर कॉलेज ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन सी ए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में उनको इंटरेस्ट आ गया, वॉन्टिंग टू फॉलो हिज फादर्स फुटस्टेप्स। उनके फादर का अपना सी ए फर्म था, तो वहाँ पे वो काम करते थे, उन्होंने देखा था कैसे काम होता था, और उसमें इंजीनियरिंग पहले करना सोचा और फिर सीए में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया और फिर सोचा कि सीए करते हैं। बड़ी आश्चर्य वाली बात है, हर किसी की जिंदगी में होती है, जब भी आप कुछ कर रहे होते हैं उसमें से कोई तीसरे व्यक्ति का एंट्री होता है और वो व्यक्ति आपको इतना इन्फ्लुएंस करता है जिसके इन्फ्लुएंस में आकर के आप कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। और सौभाग्य देखिए हरीश साल्वे जी का, जब ये अपने फादर के सीए फर्म में काम कर रहे थे उस समय ग्रेटेस्ट एडवोकेट ऑफ ऑल टाइम्स नानी पालखीवाला, बहुत ही प्रोमिनेंट, इनके जैसा कोई वकील हुआ ही नहीं आज तक, ये उनके फादर के फर्म में कुछ केसेस जब होते थे तो नानी पालखीवाला वहां आते थे। तो नानी पालखीवाला जो है वो आते थे और उनसे जो है मिलना होता था। दिस ब्रॉट हिम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द वन एंड ओनली नानी पालखीवाला, और उनसे हरीश साल्वे मिलते हैं। और उसके बाद हरीश साल्वे के आर्गुमेंट से, उनके समझाने के तरीके से, उनके वकालत के प्रोफेशन से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, फिर कहते हैं हरीश साल्वे जी कि इट वॉज पालखीवाला, उनके बारे में कह रहे हैं, इट वॉज पालखीवाला हु इंस्पायर्ड हरीश टू टेक अप द स्टडी ऑफ लॉ। इनकी कोई इच्छा नहीं थी, इंजीनियरिंग कर रहे थे, फिर सीए करना सोचा कि फादर का फर्म है वहीं पर काम कर लेंगे। और उसके बाद पालखीवाला से मुलाकात हुई, पालखीवाला ने कहा कि लॉ करो। ही सून लॉस्ट इंटरेस्ट इन अकाउंटेंसी, अजीब बात है, धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट लूज हो गया, और कहा कि ही सून लॉस्ट इंटरेस्ट इन अकाउंटेंसी एंड बिकेम इंटरेस्टेड इन टैक्स मैटर्स, चूंकि पालखीवाला ज्यादातर टैक्स मैटर्स करते थे, बहुत ही प्रोमिनेंट एडवोकेट, तो इनको भी जो है इंटरेस्ट आ गया टीचर का, एडवोकेट का, जिसके साथ आप काम करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, जिसके अंडर आप काम करते हैं, उनका आपके जिंदगी पे बहुत गहरा प्रभाव होता है, बहुत कुछ सीखते हैं आप उनसे। और यही चीज हरीश साल्वे के साथ हुआ, हिज इंटरेस्ट ग्रो डीपर, और इंजीनियरिंग छोड़ दिया, सीए छोड़ दिया, टैक्स मैटर में इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट डीपर चलते गया। पालखीवाला के साथ इन्होंने आर्गुमेंट जो है उनको बना के देते थे कई केसेस में, जो इनके फादर का केस होता था। हिज इंटरेस्ट ग्रो डीपर एंड ही डिसाइडेड दैट इफ ही वॉन्ट टू प्रैक्टिस टैक्सेशन, यदि टैक्स लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं देन ही शुड ऑप्ट टू बिकम अ लॉयर। और यही वो पॉइंट था जहां पे इन्होंने लॉ करने की सोची। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट हम छोटे छोटे वीडियो में आपके सामने हर दिन लाते रहेंगे। फिलहाल ये जो सीरीज चलेगा हरीश साल्वे जी का चलेगा, इन्होंने किस तरीके से केसेस किए हैं, क्या क्या आर्गुमेंट किए हैं, जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, किस तरीके से ये काफी आगे निकल गए इस पूरे टेन्योर में, किस तरीके से इन्होंने काम किया है, इसके बारे में हम आगे आपको हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट लाते रहेंगे और एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना देंगे। और एक एडवोकेट का खत्म होगा तो दूसरा जो प्रोमिनेंट है उनकी हम बात करेंगे, खास करके लॉ स्टूडेंट, इससे बहुत ही ज़्यादा उनको मोटिवेशन मिलेगा। आशा करते हैं कि ये जो नया पहल है इससे आपको कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने और मोटिवेशन मिलेगा। यदि आपको ऐसा लगता है, यदि आपको लगता है कि ये जो सीरीज मैंने सोचा है ये शुरू करूँ, इसको आगे कंटिन्यू करूँ, तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं, जो भी लॉ स्टूडेंट इसे देख रहे हैं, ताकि हम कल फिर से कुछ नए फैक्ट्स हरीश साल्वे जी के बारे में आपको बताएं। चलिए फिर से मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।